अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। शेख, मेरा सवाल ये है कि तलाक और खुला मतलब एक जी साथ जमा किया जा सकता है? बहन का सवाल ये जी है कि तलाक और बहन का सवाल ये है कि जी तलाक और खुला को एक साथ जमा किया जा सकता है कि नहीं। देखिए बहन, तलाक ये अलग चीज है और खुला ये अलग चीज है। दोनों में कई एक डिफरेंस हैं। पहला डिफरेंस तो ये है कि तलाक ये शौहर की जानिब से होता है, औरत के मुतालबे के बगैर। औरत मुतालबा करे या जी ना करे, उसके बगैर शौहर की जानिब से जो होता है उसको तलाक कहा जाता है। और खुला ये बीवी के मुतालबे पर होता है। बीवी मुतालबा करे या कोई और मुतालबा करे, उसका वली मुतालबा करे या कोई और मुतालबा करे, बहरहाल शौहर से उसका मुतालबा किया जाता है। तो ये पहला फर्क हो गया। दूसरा फर्क ये है कि जब शौहर तलाक देता है तो उसमें एक दूसरे किसी भी तरफ से कोई माल कोई एवज उसका नहीं दिया जाता है। लेकिन खुला का जब मुतालबा किया जाता है तो खुला ये बगैर एवज के मुमकिन नहीं है। अगर बीवी खुला का मुतालबा कर रही है तो उसे एवज देना होगा। जब तक एवज नहीं देंगे तब तक वो खुला नहीं होगा। ये दूसरा फर्क है। तीसरा जी फर्क ये है कि तलाक हालत हैज में हराम है, बल्कि हालत हैज में तलाक वाकई नहीं होगी, लेकिन खुला हालत हैज में वाकई हो जाएगा। इसी तरह से एक फर्क ये है कि तलाक में इद्दत की जो मुद्दत है वो 3 हैज है, तीसरे माहवारी आने तक वो इद्दत होती है। खुला की जो इद्दत है वो 1 हैज। तो इतने से डिफरेंसेस हैं, लिहाजा एक साथ तलाक और खुला नहीं हो सकता। या तो तलाक होगी या तो खुला होगा, दोनों में से कोई एक होगा। मतलब मैं ये क्लियर करना चाह रही हूँ, जैसे मान लीजिए शौहर ने एक बार तलाक दिया और रुजू करने का दोनों के पास मौका है, लेकिन बीवी इस दौरान चाहती है कि मैं रुजू ना करूँ, मतलब लगे हाथ मैं खुला ले लूँ इनसे, मैं साथ में नहीं रहना चाहती हूँ, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बहन का सवाल यह है कि किसी शौहर ने तलाक दिया, जब तक उसकी बीवी इद्दत के अंदर होती है तब तक शौहर को रुजू का हक होता है। अब अगर वो बीवी चाहे कि मेरे शौहर मुझसे रुजू ना करें इसलिए मैं उससे खुला ले लूं, तो क्या ऐसा कर सकती है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकती है। देखिए, खुला उस वक्त है जब वो औरत अपने शौहर की जौजियत में है मुकम्मल तौर से, और जब उसके शौहर ने तलाक दिया दे दिया है तो अब वो मुकम्मल तौर से उसकी जौजियत में है ही नहीं, तो खुला कैसे लेगी? खुला तो वो औरत लेगी जो बीवी है। अब वो बीवी नहीं है मुकम्मल तौर से, वो जी मुतलका है, और वो जब इद्दत गुजार रही है इस इद्दत के दौरान उसके शौहर को रुजू का हक है, और इस रुजू में उसकी बीवी की रजामंदी का कोई दखल नहीं है। अब अगर वो रुजू कर रहा है तो इसमें बीवी की रजामंदी नहीं पूछी जाएगी, वो रुजू हो जाएगा और दोबारा वो उसकी जौजियत में चली जाएगी। जब वो उसकी जौजियत में चली गई उसके बाद उस बीवी को इख्तियार है कि वो चाहे तो खुला का मुतालबा कर सकती है, ये अलग बात है। लेकिन जब वो इद्दत में है तो बीवी है ही नहीं, तो फिर वो खुला का मुतालबा कैसे करेगी? खुला का मुतालबा तो बीवी करती है।